नमस्कार दोस्तों तो पिछले चौबीस से अड़तालीस घंटों के अंदर भारत के मौसम के अंदर जो काफ़ी जो है वो उतार चढ़ाव जो वो देखने को मिला खासतौर से बात करें जो ताउते तूफान था उसकी वजह से काफ़ी इंटेंस बारिश की गतिविधियां जो है वो केरल के अंदर इसके साथ साथ में बात करें तो कर्नाटका के अंदर तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बात करें तो दिल्ली वगैरह के अंदर भी जो देखने को मिली है और आगे आने वाले समय के अंदर भी इनमें से कुछ राज्यों के अंदर बारिश की गतिविधियाँ जो वो जारी रह सकती है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि अगर आपके राज्य के अंदर भी बारिश का अनुमान लगाया गया है तो इसके बारे में आपको जो आइडिया है वो मिल पाए और साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना कि आप जो है वो भारत के अंदर किस राज्य से किस जिले से बिलोंग करते हैं और फिलहाल किस तरह का जो मौसम है वो आपके एरिया के अंदर जो बना हुआ है दक्षिणी भारत से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर जो है वो केरल के अंदर साथ ही साथ बात करें तो तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों के अंदर और कर्नाटका के अंदर जो है वो बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान यहां पर जो लगाया गया है गोवा के अंदर महाराष्ट्र के अंदर भी खासतौर से तटवर्ती इलाकों के अंदर बारिश की गतिविधियाँ जो है वो जारी रह सकती है लेकिन गुजरात के अंदर यहाँ पर जो थोड़ी सी राहत की खबर जो है निकल करके सामने आ रही है यहाँ पर जो है वो बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा कम होने का अनुमान लगाया गया है वहीं बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों के अंदर और अगर बात करें तो पूर्वी जिलों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है जबकि पश्चिमी ज़िलों के अंदर यानी जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं यहाँ पर कुछ जो है वो तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आपको जो है वो देखने को मिल सकती है इसके बाद में अगर राजस्थान के मौसम की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर या दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जालोर सिरोही पाली इन दिनों के अंदर बारिश की गतिविधियां जो थोड़ी कम हो जाएंगी यानी राहत बड़ी खबर यहाँ पर जो कुछ निकल करके सामने आ रही है ज़बरदस्त बारिश की गतिविधियां पिछले चौबीस से अड़तालीस घंटों के अंदर यहाँ पर जो देखने को मिली वही बात करें तो जैसलमेर के अंदर बाड़मेर के अंदर और जोधपुर के अंदर भी मौसम के अंदर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि शुष्कता आने का अनुमान लगाया गया है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर आगे आने वाले लगभग चौबीस घंटों तक बहुत ही कम होने का अनुमान है जबकि अगर बात करें तो उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ चित्रई बारिश के रूप में जारी रह सकती है जबकि कोटा बूंदी बारांझलावाड़ यानी हड़ौती क्षेत्र के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो तेज बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है अजमेर के अंदर जयपुर के अंदर धौलपुर भरतपुर सवाईमाधोपुर करौली यानी पूर्वी राजस्थान के अंदर भी कुछ स्थानों के ऊपर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है जबकि अगर उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू झुंझुनू इन जिलों के अंदर जो हल्की बारिश का कुछ स्थानों के ऊपर केवल जो अनुमान है वो लगाया गया है यानी हल्की मध्यम चित्राई बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है यानी राजस्थान के अंदर ओवरऑल बात करें तो जयपुर और आसपास के जिलों के अंदर और इसके साथ साथ में बात करें तो हड़ौती क्षेत्र के अंदर जो है मुख्य रूप से बारिश का अनुमान जो है वो आगे आने वाले लगभग चौबीस घंटों के लिए लगाया गया है इसके बाद में यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के अंदर जो है वो हल्की बारिश की गतिविधियां जबकि पश्चिमी जिलों के अंदर जो है वो कुछ तेज़ बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है दिल्ली एनसीआर के अंदर भी बारिश का अनुमान जो है वो लगाया गया है पंजाब हरियाणा के अंदर भी आगे आने वाले लगभग चौबीस से अड़तालीस घंटों के अंदर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है जबकि उत्तराखंड के अंदर कुछ स्थानों के ऊपर जो ज़बरदस्त बारिश और भूस्खलन जैसी गतिविधियाँ कुछ स्थानों के ऊपर जो हो सकती है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो है वो हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों के ऊपर तेज़ बारिश और बर्फबारी का अनुमान जो है वो लगाया गया है हालांकि बर्फबारी का अनुमान अभी जो है वो कम है लेकिन आगे आने वाले लगभग चौबीस घंटों के बाद में ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है क्योंकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नज़दीक आने वाला है जिसकी वजह से बात करें तो यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के अंदर आपको जो बर्फबारी की गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल सकती है पूर्वोत्तर भारत के अंदर भी जो है वो असम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर मिजोरम और आसपास के क्षेत्रों के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जो बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है लगभग सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के अंदर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों के ऊपर तेज बारिश का अनुमान है जबकि बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर पूर्वी बिहार के अंदर और उड़ीसा के अंदर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है साथ ही साथ बात करें तो दक्षिणी पूर्वी छत्तीसगढ़ के इलाकों के अंदर बारिश का अनुमान जो है वो लगाया गया है कुछ स्थानों के ऊपर जो मौसम शुष्क भी रह सकता है जबकि तेलंगाना के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अधिकतर स्थानों के ऊपर मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान है आंध्र प्रदेश के भी कुछ जो वो दक्षिणी इलाकों के अंदर दक्षिणी आंतरिक इलाके यानी जो कर्नाटक से सटे हुए इलाके हैं यहाँ पर जो है वो कुछ स्थानों के ऊपर हल्की से मध्यम बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो अपडेट दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद